been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew. So, hola people, and कैसे हो आप सब? So, I hope आप लोग घर पे रहोगे, सेफ रहोगे. So, guys, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है थंबनेल्स के ऊपर. So, guys, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थंबनेल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक यूट्यूबर के लिए. सो जो थंबनेल होता है वो आपकी वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन रहता है आपके व्यूवर्स के लिए. एंड कोई भी हो, छोटे से लेके बड़ा यूट्यूबर हो, सबकी वीडियो का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होता है उनका थंबनेल. सो अगर आपका थंबनेल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, कैची रहेगा, तो व्यूवर्स आपकी वीडियो को ज़रूर देखेंगे. सो बहुत सारे व्यूवर्स को पता नहीं रहेगा थंबनेल किसे कहते हैं. सो आप लोग ये वीडियो के ऊपर जो फोटो देखते हो, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, अगर ये फोटो आपको अच्छा लग जाता है तो ही आप ये वीडियो को ओपन करते हैं. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम थंबनेल्स बनाए ही क्यों. पहले तो उन लोग को लगता है मैंने इतनी मेहनत से शूट किया है वीडियो, फिर इतनी मेहनत लेके मैंने उसे एडिट किया है, तो मैं उसे एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूँ थंबनेल्स को बनाने के लिए. सो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें वीडियो को थंबनेल नहीं लगाना चाहिए, मैं उनसे कह देता हूँ कि अगर आपकी वीडियो कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, कितनी भी मज़ेदार हो, बट अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, फिर आपने थंबनेल लगाया ही नहीं है, व्यूवर आपकी वीडियो को देखेंगे ही नहीं. सो गाइस, जो थंबनेल होते हैं वो आपके चैनल की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं. सो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे कि आपकी थंबनेल्स जो है अट्रैक्टिव आप लोग बना सकते हो एंड इम्प्रूव कर सकते हो आपके थंबनेल्स को. सो सबसे पहली टिप है, डोंट यूज स्टफ्स बिसाइड योर वीडियो. कि आप वीडियो के अंदर जो चीज़ नहीं है वही चीज़ आप थंबनेल में डाल दोगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना. आपको जो है वीडियो में है वही चीज़ आपको थंबनेल पे दिखाना है. सेकंड टिप है, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस. आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं. थर्ड जो टिप है वो बहुत ही सिंपल है, जो भी आप इमेज यूज़ करोगे आपके थंबनेल में वो एकदम HD होनी चाहिए. एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ अपने थंबनेल्स को एडिट करने के लिए, वो है PicsArt, एंड उससे देख सकते हो आप इतने अच्छे अच्छे थंबनेल्स एडिट हो सकते हैं. जितने भी थंबनेल्स आप लोग देख रहे हो सब मैंने PicsArt से एडिट किए हुए हैं. तो आप लोग भी YouTube पे सर्च कर सकते हो, इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं.